साहब सबसे बड़ी उसकी गलती यह है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, ना हम उसके पास गए। बिल्कुल चचा, ओ भोसड़ी वाले चचा, करते हैं लोग सब कुछ हमारा जो है रेडी हो जाता है, उसके बाद में इंतजार करते ग्राहक का, कोई आए बेचे हैं जब आके समझेंगे हैं। लॉकडाउन के पहले दो बच्चे आ जाते थे, जब से लॉकडाउन लगा है तब से हमारी जिंदगी खराब हो गई है। मैं और मेरे फॉलोअर्स कोशिश करेंगे कि आपको जितना भी मदद होते हैं, और कैसा है इनका रोजमर्रा की जिंदगी का जीवन। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? कांता प्रसाद। कांता प्रसाद, और आंटी आपका? बदामनी देवी। बदामनी देवी, क्या है, उम्र कितना है आप लोगों का? सर जी हमारा 80 साल पार कर रहे हैं। 80 साल पार कर रहे हैं। 80 साल एक दो महीने ऊपर हुआ होगा। अच्छा, कब से कर रहे हैं ये काम अंकल? 88 से। 88 से काम कर रहे हैं। तो कितने बजे शुरू हो जाते हैं आप? हाँ भैया, ये बात चली है, ये जरूर है कि भाई देखो, उसने तो किसने गौरव ने हमारे साथ तो अच्छा ही किया था, मगर उसने बस यही गलती कर दिया कि अपना खाता नंबर जो है अपना दे दिया, भाई का बीवी का है। साहब सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, ना हम उसके पास गए। बिल्कुल, इसको तो मैं ऐसे ही खाने वाला हूँ और बताता हूँ आपको इसका स्वाद। वाह अंकल वाह, क्या मटर पनीर बनाया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े ढाबों पे भी आपको ऐसे रोगन वाला मटर पनीर बहुत कम मिलता है, और 30 रुपए के अंदर हाफ, मतलब यू कैन इमेजिन कितना सस्ता है और कितना ही बढ़िया है। उसके बाद आलू सोयाबीन की सब्जी है जिनकी जिसकी कीमत भी अगेन 13, जिसकी हाफ है, और ये ट्राई करते हैं। अगर मैं आप लोग मुझे स्कैमर बोलते हैं, आप लोग मुझे चोर बोलते हैं, फ्रॉड बोलते हैं, कम से कम आप मेरे से पूछे तो सही कि गौरव आपने क्या, आपकी तरफ से क्या बोलना चाहते हैं आप। बहुत आसान होता है किसी को डीफेम करना, किसी के बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बट गौरव आप बाबा जो आरोप लगा रहे हैं उस पर पहला आपका पक्ष क्या है? देखिए भाई, मैं आपको सबसे सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि मैं एक फूड व्लॉगर हूँ, ठीक है, और मेरा हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊँ, किसी ना किसी पैमाने पे उनके खाने को वर्ल्ड फ्रेम पे लेके जाऊँ, आगे तक पहुँचाऊँ, अपने स्ट्रीट फूड को प्रमोट करूँ, क्योंकि भारत का स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है। और इसी कोशिश से मैं इनके पास पहुँचा, इनकी मैंने वीडियो बनाई और वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल हो गई, जिसका रिस्पॉन्स आप